शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं इनटेक। पर्दे पे लेके की तरफ और पहला खबर है व्हाट्सएप की तरफ से, और बहुत ही जल्दी आप व्हाट्सएप में लंबे लंबे कॉल रिकॉर्ड्स को भी रिकॉर्ड कर पाओगे, वॉइस नोट्स को आप रिकॉर्ड कर पाओगे। अभी फिलहाल आप देखोगे तो आप लिमिटेड सेकेंड्स तक ही वॉइस रिकॉर्ड को रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको लंबे लंबे रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे व्हाट्सएप में भी। और आपको शायद ये भी पता होगा कि बहुत ही जल्दी व्हाट्सएप में ये फीचर आने वाला है कि अगर आप व्हाट्सएप में कोई भी वॉइस नोट को सुनते हो तो आप बैकग्राउंड में भी उस वॉइस नोट को सुन पाओगे व्हाट्सएप में चैटिंग करते करते। अगर अभी कोई आपको वॉइस नोट भेजता है या फिर आप किसी को वॉइस नोट भेजते हो तो वो आपका वॉइस नोट बस आपके चैट में ही सुन सकता है, आपके चैट से बाहर निकलते ही उसका वॉइस नोट भी बंद हो जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये फीचर भी देखने को मिलेगा कि आप बैकग्राउंड में भी अपना वॉइस नोट को सुन पाओगे। वैसे ये फीचर शायद आ चुका है iOS में या फिर आने वाला है। और ये जो WhatsApp में लंबे कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर है ये ग्लोबली बहुत ही जल्दी आने वाला है। बीटा वर्जन में कुछ सेलेक्टेड यूजर्स को ये फीचर मिला है अभी फिलहाल के लिए। अगला खबर है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, और दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भारत का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिटी दिल्ली बनेगा कुछ दिनों के बाद। उनका ये कहना है कि दिल्ली में आप 2 रुपीज़ पर यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हो, और अगर 2 रुपया पर यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने का अगर आपको दिल्ली में फैसिलिटी मिलता है तो इंडिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिटी बन जाएगा दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो लोग आने वाले दिनों में 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे सिटीज़ में। 71 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आपको मेट्रो स्टेशन के आसपास देखने को मिलेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या दिल्ली भारत का सबसे सस्ता सिटी बनता है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को सबसे कम दाम में चार्ज कर पाओगे। अगला खबर है टाटा ग्रुप की तरफ से, और टाटा ग्रुप बहुत ही जल्दी भारत में UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाली है। टाटा ग्रुप ने NPCI को रिक्वेस्ट भेज चुकी है ताकि वो लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर बन सके। और आपको टाटा ग्रुप की तरफ से बहुत ही जल्दी UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप देखने को मिलेगा, और टाटा ग्रुप ICICI बैंक के साथ भी बात कर रही है, तो शायद ICICI बैंक के साथ वो लोग पार्टनरशिप करेंगे। और टाटा ग्रुप डायरेक्टली गूगल पे, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे और पेटीएम, फोन पे इनको टक्कर देने वाली है आने वाले टाइम में। वैसे क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और इंडिजिनियस पेमेंट सिस्टम होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप रशिया और यूक्रेन में जो चल रहा है इससे आप रिलेट कर सकते हो। रशिया में आपको पता होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के जितने भी पेमेंट मेथड सिस्टम है वो सभी ब्लॉक्ड है, सभी कंपनियों ने अपना सर्विसेज रशिया में बंद करके रखा हुआ है, और इसीलिए रशियन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट भारत के साथ फ्यूचर में होता है तो हमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, भारत के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अपना खुद का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, UPI है, हम UPI से डायरेक्टली पेमेंट कर पाएंगे, और रुपे कार्ड हमारे पास है तो हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर में ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होना पड़ेगा। अगला खबर है बाउंस इन्फिनिटी की तरफ से, और बाउंस इन्फिनिटी आने वाले दिनों में भारत में 300 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाने वाली है भारत के 10 सिटीज़ पे, और पहला सिटी होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में वो लोग पायलट टेस्ट करेंगे, देखेंगे अगर सक्सेसफुल होता है तो भारत के बाकी 9 सिटीज़ में वो लोग बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करेंगे, बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस को बनाएंगे, और वहाँ पे आप 2-व्हीलर और 3-व्हीलर के बैटरी को स्वैप कर पाओगे। तो मैंने इसी इंटेक में आपको दिल्ली के बारे में भी न्यूज़ दे दिया। दिल्ली में भी आपको काफ़ी जल्दी और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस देखने को मिलेगा। और मैंने कुछ दिन पहले अपने मेरिन इंडिया खबर और इंटेक में ये न्यूज़ दिया था कि गुरुग्राम में आपको इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेगा। फिर मैंने आपको ये भी न्यूज़ दिया था कुछ दिन पहले ही कि आपको नेशनल हाईवेज में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे, और अब जाके बाउंस की तरफ से ये न्यूज़ सामने निकल कर आया है। तो इंडिया में आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिस तरह से हमें पेट्रोल पंप भारत के कोने कोने में देखने को मिलता है, उसी तरह से आपको आने वाले दिनों में भारत के कोने कोने में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी देखने को मिलेगा। अगला खबर है फिर से टाटा मोटर्स की तरफ से, और टाटा मोटर्स का ये कहना है कि वो लोग आने वाले 5 सालों के अंदर में 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में। तो आपको आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टाटा मोटर्स की तरफ से काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, काफी अलग अलग रेंज में और अलग अलग सेगमेंट में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टाटा मोटर की तरफ से देखने को मिलेगा। वैसे आपको अभी भी टाटा मोटर्स की तरफ से 2-3 टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलता है, और टाटा ग्रुप ने अभी तक 22,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेच चुके हैं इंडिया में, और टाटा ग्रुप का 65% का शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में।
अगर हम लोग भारत के मार्केट को देखें, आपको आने वाले 5 सालों के अंदर में टाटा मोटर्स की तरफ से और भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलेगा इंडिया में लॉन्च होते हुए। अगला खबर है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग 17 मार्च को भारत में गैलेक्सी बुक को लॉन्च करने वाला है। 6 गैलेक्सी बुक को सैमसंग भारत में लॉन्च करने वाला है और हम इसे परचेज कर पाओगे अमेजन के थ्रू। आप इन्हें प्री बुक भी कर सकते हो ₹2000 पे करके। वैसे सैमसंग भारत में लैपटॉप्स बहुत पहले बेचता था, 2014 के बाद सैमसंग ने लैपटॉप्स बेचना बंद कर दिया था भारत में, लेकिन अब जाके लैपटॉप्स का जो डिमांड है उनको देख के अब सैमसंग ने फिर से री एंटर किया लैपटॉप मार्केट में। तो आपको आने वाले टाइम में और भी ज्यादा लैपटॉप देखने को मिलेगा सैमसंग की तरफ से। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूँ इस चैनल में। अगर आपको उन वीडियोस को भी देखना है तो आप ज्ञान एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट को क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।